आज हम आपको बताएंगे करवा चौथ के दिन आपको कौन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाओं के लिए यह त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। सभी महिलाएं इस त्योहार को मनाती हैं और पूरा साल इसका बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता है कि इस दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन सी वह गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना है। करवा चौथ का दिन बहुत ही ज्यादा पवित्र दिन होता है और अगर आप इस दिन विधि अनुसार पूजन करते हैं तो इससे आपके पति की किस्मत तो चमकती ही है, बल्कि आपके घर में और आपके जीवन में भी प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं और शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो भूलकर भी सुहागिनों को नहीं करने हैं। जब भी आप इस दिन व्रत रखते हैं तो आपको इस दिन काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना है। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के दिन का व्रत बहुत ही ज्यादा पवित्र है, तो आप इस दिन बिल्कुल भी काले कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। इससे आपका बैड लक बढ़ता है और जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है। इस दिन लाल रंग या फिर पीले रंग के वस्त्रों का ही आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि यह रंग ही शुभता के प्रतीक हैं और सौभाग्य को बढ़ाने वाले रंग हैं और किस्मत को प्रबल करने वाले रंग हैं, और इन्हीं रंगों का इस्तेमाल आपको करना है। करवा चौथ के दिन आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। जब भी आप करवा चौथ के व्रत के लिए तैयार होती हैं, और यह भी ध्यान रखें कि अगर पहनते वक्त आपकी चूड़ी टूट जाती है तो उसको बिल्कुल भी आप कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि आप अगले दिन जाकर उसे किसी भी पार्क या मंदिर में रखकर आ सकती हैं, या फिर पीपल के पेड़ के पास भी आप इन्हें रख सकती हैं, लेकिन भूलकर भी कूड़ेदान में ना फेंकें। यह स्थिति घर में ग्रह कलेश को बढ़ाने वाली स्थिति मानी जाती है। इस दिन आपको सिर्फ धार्मिक कथाएं ही सुननी चाहिए, धार्मिक गीत सुनने चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए, और अगर आप इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा खास लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, आप इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान रखें और अपने करवा चौथ के व्रत को सफल बनाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।